हिमाचल प्रदेश विधानसभा LOP जयराम ठाकुर शु कह रहा छे जुओ वीडियो। अब की बार बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि बारिश लंबी नहीं थी और बारिश ज्यादा भी नहीं थी। एक दिन के ही बारिश के स्पैन में हिमाचल प्रदेश में 55 लोग मिसिंग थे और उसमें से 5 के शव बरामद हुए जो जानकारी मिली है। 50 अभी भी मिसिंग है और 4 दिन से मिसिंग होने का मतलब है आप मान करके चलिए कि धीरे धीरे उनकी जिंदा रहने की संभावनाएं कम होती दिख रही है। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है और अभी हम हिमाचल के लोग पिछली त्रासदी से ही नहीं निकल पाए थे लेकिन फिर एक त्रासदी फिर से जो हमारे सामने है इस प्रकार से जो बहुत बड़ा नुकसान करके गई है। आज मैं जहां जहां भी गया हूँ मलाना प्रोजेक्ट में भी गया था जिसके कारण जो है वो नीचे जो वहां पानी ज्यादा आने के कारण क्लॉड बस्ट होने के कारण जो है एक तो डैम का जो डैमेज हुआ है उसके साथ नीचे गांव जो है चारों तरफ से गिर गया है। गांव जिसमें लगभग 10 परिवार के लोग रहते थे उनको गांव मतलब वो गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के बीच में और ऐसी सूरत में वो भी बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। और इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं बजौरा के पास एक आयुर्वेदिक का हमारा हॉस्पिटल है वो अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है वो टोटल डैमेज हो गया उसका एक पोर्शन। शाट में सब्जी मंडी जिसका निर्माण कार्य अभी हुआ ही था पूर्ण उसका उद्घाटन भी अभी 1 साल पहले किया था और वो सारा का सारा स्ट्रक्चर उसका जो है सब्जी मंडी का जो है बह करके चला गया। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि जहां मैं कल जाने वाला हूँ संभवतः शिमला जिला के अंतर्गत हमारा रामपुर का इलाका जो कुल्लू के अंतर्गत आने का इलाका जो है जो समेज करके गांव है वहां तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई पूरा गांव चला गया मालूम ही नहीं पड़ रहा है और लगभग 38 लोग जो जानकारी मिली है कि वहां के जो मिसिंग है छोटे छोटे बच्चे भी जो है उसमें बह करके चले गए। तो निश्चित रूप से जो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है केंद्र सरकार ने पूरी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी मदद की है। पिछले कल मेरा प्रधानमंत्री जी से भी मिलना हुआ प्रधानमंत्री जी ने मेरे पहुंचने मतलब उनसे बात करने के लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसके बारे में जानकारी दी और विश्वास दिलाया कि जो भी मदद हिमाचल को चाहिए इस संकट की घड़ी में वो मदद करने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग राजनीति से ऊपर उठ करके इस वक्त पार्टी के सब साथी भी हमारे विधायक भी सब कार्यकर्ता सब लोग जो है राहत कार्य में जुटे हुए हैं और जो जितनी मदद जिस रूप में हो सकती है वहां मदद करने की कोशिश कर रही है। और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी आज मुझे जाना था लेकिन वो रास्ता जो है पंडों के बाद जो है जो बंद होने के कारण सुबह वहां जाना संभव नहीं हो पाया और वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर भी 10 लोग जो है एक परिवार के गांव के जो है वो बह करके चले गए हैं। 5 लोगों के शव अब उनमें से बरामद हुए हैं लेकिन 5 लोगों के अलावा अभी बाकियों के अभी तक जो है वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और राहत कार्य की दृष्टि से अगर मैं बात कहूँ जो हमारे प्रोजेक्ट मलाना प्रोजेक्ट में जो 4 लोग 3 दिन से फंसे हुए थे उनको पिछले कल रेस्क्यू किया गया वो सुरक्षित वापस आए उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और NDRF की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जहाँ आज हम गए मलाना गाँव के साथ साथ मलाना का जो प्रोजेक्ट है वहाँ बहुत सारा नुकसान जो हुआ है गाँव के लोगों को राहत अभी पहुंची नहीं और बलादी गांव है वो और बलादी गांव में अभी तक जो राहत नहीं पहुंची उनकी का इंतजाम क्योंकि चारों तरफ से घर जो है वो पानी के बीच में है और 4 घर उसमें बह करके चले।